क्या देखते हैं कि फाइंड द, एक नंबर की बात कर रहा हूं, फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी, फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ऑफ अ मीडियम ऑफ विच, ऑफ विच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑफ विच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस क्या टू, जैसे पूछ लिया हमने, एक नंबर में पूछ लिया, ठीक है, एक नंबर में पूछ लिया तो क्या होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है और आपने ठीक से नहीं पढ़ाया तो क्या होगा, ये आपका क्या होगा, आप ये नंबर खो देंगे, आपको नहीं मतलब मिस हो जाएगा। एक नंबर वाले में क्या है, जो वन मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में क्या है, 70 नंबर का प्लान क्या है, 70 मार्क्स का क्या प्लान है, इसका ब्लू प्रिंट क्या है, ब्लू प्रिंट क्या मतलब, ब्लू प्रिंट मतलब उसका जो है जो प्लान है 70 का, 70 कैसे बढ़ता है, 70 में जो है तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आते हैं वन मार्क क्वेश्चन, कितने वन मार्क क्वेश्चन, फिर क्या आते हैं टू मार्क क्वेश्चन, फिर क्या आता है थ्री मार्क क्वेश्चन, ठीक है, और ये लास्ट जो सबसे बड़ा होता है वो होता है फाइव मार्क क्वेश्चन। अब क्या है, एक नंबर के कितने क्वेश्चन आए आपके, एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं शायद हमें लगता है 10 आते हैं, तो वन मतलब 10 into 1 10 मार्क्स हो गया ना, जो एक नंबर का हो गया क्या हो गया 10 into 1। तो जो एक नंबर क्वेश्चन होते हैं बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, उसमें अगर आप क्या है, अगर आपने थारोली पढ़ा है, फिजिक्स समझी है, तो क्या होगा आप उसके आंसर दे पाओगे, अगर आपने क्या है आपने सुपरफिशियल पढ़ा है, मतलब ऐसे रट वगैरह लिया है और अपने ऐसे ही साइड बुक से पढ़ लिया है, या आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं रखते हैं, तो क्या होगा, एक नंबर तो यार मिलना मुश्किल है, वो आपको क्या टू द पॉइंट लिखना है वहां पर, तो एक नंबर में क्या होगा उसके आंसर बहुत ही छोटे होते हैं, वन वर्ड हो सकते हैं, उसमें फार्मूला पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल फॉर्म, राइट डाउन द मैथमेटिकल रिलेशन फॉर द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट इन इट्स वेक्टर फॉर्म, ऐसे ही पूछ लिया उन्होंने, पूछ लिया ऐसे पूछते कैसे, यही मैं बताऊं, क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि राइट डाउन द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट्स इन इट्स वेक्टर फॉर्म, तो क्या होगा, या बच्चे अगर नहीं पढ़े हैं तो मोस्टली क्या होता है, आपको अमूमन स्केलर फॉर्म याद होता है, आपको अमूमन स्केलर फॉर्म याद होता है, आप जानते हो एफ इक्वल्स टू 1/4πε(m) q1 q2/r स्क्वायर, यही लिख के आप चले आएंगे उस पर, एफ पे क्या करेंगे, बहुत आप करेंगे तो एफ पे वेक्टर लगा देंगे, तो उससे आपको नंबर मिलने वाले नहीं, क्योंकि इसका वेक्टर फॉर्म उसको एक्सप्लेन मैं करूंगा, बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं उसमें आपको बहुत ध्यान देना है। फिर जो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं कितने आते हैं, जो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो मेरे ख्याल से वो 8 क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं 8 क्वेश्चन आते हैं, ये 16 मार्क्स का होगा, कितने का होगा 16 होगा, अब एक क्वेश्चन में और भी रहता है, एक क्वेश्चन में और रहेगा, कहने का मतलब आपको क्या होगा 9 क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में, एक क्वेश्चन में और रहेगा, तो इसका मतलब कितने क्वेश्चन हमारे हो गए, हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, हमारे 9 क्वेश्चन हो गए, और 9 क्वेश्चन की क्या करना आपको 8 क्वेश्चन करने, कभी कभी रहता है ऐसा, कभी कभी नहीं भी करते हैं। अच्छा फिर तीन नंबर का क्वेश्चन आ गया, तीन नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं 9 क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं 9 आते हैं, तो 9 + 3 कितना हुआ 27 हुआ, अभी तीन क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन और रहेगा, तीन क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन क्या रहेगा और रहेगा, तीन क्वेश्चन में भी जो तीन नंबर के क्वेश्चन है कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं 9 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो 9 क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या हुआ 9 × 3 = 27 हुआ, एक क्वेश्चन में क्या रहेगा और रहेगा, इसका मतलब 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको कितने करने हैं 9 करने, फिर क्या हो गया, फिर जो आप बड़ा वाला आ गया आपका, बड़ा वाला मतलब बड़े आंसर जो होते हैं, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन, ये ही आपका स्कोर करता है, जो 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब कितना हुआ
कि 3 × 5 क्योंकि हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, तो कितना हो गया 15 हो गया। लेकिन इसमें क्या फायदा है, इसमें फायदा यह रहता है 5 नंबर में कि 5 नंबर में जित 3 क्वेश्चन जो आते हैं सभी में और रहते हैं। इसका मतलब कितना क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आपसे 6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो 6 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं और उसमें से आप कितने कर रहे हैं, 3 करने हैं। और कभी कभी वो क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, 5 नंबर वाले को स्प्लिटअप कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं ए बी सी करके, तो और इजी हो जाता है स्कोर करना, और इजी हो जाता है। और जो आपका स्कोर बढ़ता है किससे बढ़ता है, आपका जो स्कोर बढ़ता है ये 3 मार्क्स से बढ़ता है और 5 मार्क्स से बढ़ता है, ठीक है, 3 मार्क्स बढ़ता है 5 मार्क्स बढ़ता है। तो ये पूरा जो प्लान है वो सभी आप जोड़ देते हैं, देखो कितना हो रहा है, ये 10 हो गया, ये 16 हो गया, ये 27 हो गया, ये हो गया 15 हो गया, देखो कितना हो रहा है, 7 6 13 5 18 और हो गया आपका 1 2 3 5 1 6 दो नंबर आपका खत्म हो गया। मुझे लगता है ये 8 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी एक नंबर के 8 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा भूल रहा है, एक नंबर के 8 क्वेश्चन आते हैं और दो नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं, 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, कितना हो गया ये 20 हो गया। चलो अब जोड़ दो, अब जोड़ दो, देखिए जोड़ के क्या हुआ, ये हुआ आपका हुआ ये 20 और ये क्या हुआ 28 हो गया, राइट, ये होगा 27 हो गया, ठीक है, ये होगा 15 हो गया, अब क्या होगा 8 7 15 15 5 20 अब हो गया 2 हो गया 2 2 4 6 8 17 हो गया। आपको समझ में आ गया ना, थोड़ा मुझे बोल रहा था, एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं 8 क्वेश्चन होते हैं एक नंबर पूछते हैं, और 2 नंबर कितने क्वेश्चन पूछते हैं 10 क्वेश्चन, इसलिए एक क्वेश्चन और रहेगा। और जो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं 9 क्वेश्चन पूछते हैं, वो 27 नंबर हो गया, और 5 नंबर कितने क्वेश्चन पूछते हैं 3 क्वेश्चन पूछते हैं, 6 क्वेश्चन होगा। ये पूरा प्लान है, इस प्लान के तहत जो है पूरा हम चलेंगे। अच्छा थोड़ा मैं आ जाता हूँ, जो बता रहा था मैं वेक्टर फॉर्म बता रहा था, इसको सब इरेज कर देता हूँ, देखिए क्या है, मैं आपको बहुत धीरे धीरे बढ़ के पढ़ाऊंगा, और जो जून की छुट्टियां होंगी मेरी उसमें हम पूरा कोर्स जो पूरा अपलोड कर देंगे इकट्ठा। अभी आप क्या करिए, अभी आप तालमेल मेरी ट्यूनिंग और आपकी ट्यूनिंग बन जाए और उसके बाद आपको मजा आएगा, और मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा। आपको क्या करना, आपको रुचि जगाना है विषय में, जब विषय में आपको रुचि जगेगी तो आप क्या करेंगे, आप सीटिंग करना शुरू कर देंगे, नहीं तो आप क्या करें, आप फिजिक्स देखना पसंद नहीं करते, आप दिखती भी जा रही है फिजिक्स बुक हो हटा फिजिक्स मिल गई, कोई कहानी बुक मिल गई, कोई कहानी मिल गई, फिल्मी दुनिया वाली मिल गई, क्या हुआ, आप मजे आने लगे, आपको पढ़ने लगे किसकी, अनुष्का शर्मा की विराट कोहली लव स्टोरी पढ़ने लगे, आपको मजा आने लगे, तो ठीक है करो, सब चीजें हैं आप इंजॉय करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको स्टडी भी करना है, और आपका ये जो है कैरियर मेकिंग क्या है, कैरियर मेकिंग ये है, यही 12th आपको क्या करेगा, आपके कैरियर को एक नई दिशा देगा। तो अगर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे तो आप क्या होंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको डिप्रेशन हो जाएगा, आप दुखी रहने लगेंगे, तो क्या होगा, अच्छा मार्क्स अच्छे आएंगे क्या होगा, आपको एक मोटिवेशन होगा, आपको मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देखो जो पढ़ने वाला होता है उसके चेहरे से दिखता है, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके चेहरे से तेज निकलता है, क्या कॉन्फिडेंटली बोलेगा, वो हजारों में बोल सकता है और 100 में बोल सकता है, और जो क्या है, जो स्टूडियस नहीं है, जो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रखते हैं, जो बिल्कुल इधर उधर की मस्ती कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, क्या होगा, वो अगर उनको बोल दो तो पीछे जो है क्या होंगे, बैक बेंचर्स क्या होते हैं, वो कि हमको सर ना पूछने, यार अरे यार छिपे रहो यार, हमारी ओर देख रहे हैं, लगता है हम उठा लेंगे। बच्चे है क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं यार हमको ना उठा दे, हमको वो सोचता है यार हमको उठा, रमेश का सुरेश से यार उससे पूछे पता लगा वो रमेश से खड़ा कर दिए, फंस गया बेचारा। तो ये नौबत ना आया, कोई भी पूछे, कोई टीचर आपसे कुछ भी पूछे, आप उनको फ्रेंकली आप अपना आंसर दे सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, कब, जब आप पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। पढ़ाई कब करेंगे, जब आपको समझ में आएगा, और यही करने के लिए मैं यहाँ पर यूट्यूब पे आया हूँ, ठीक है आगे चलते हैं। मैं आपको बता रहा था, अच्छा ये क्वेश्चन मैं बता रहा था कि फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इन विच आर विच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 2। तो हमारा क्या है, हमारे पास रिलेशन हम जानते हैं, ऐसे सिंस हमारे सर ने बताया है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट इन टू स्मॉल के, और एप्सिलॉन नॉट रटे हो तुम क्या रह क्या है 8.86 × 10^-12 क्या कूलम स्क्वायर, और क्या न्यूटन मीटर
स्क्वायर राइट। कभी कभी यूनिट पूछ लेते हैं, कभी कभी परमिटिविटी की। अब देखिए अब क्या है, ये आपको डायरेक्ट कांस्टेंट क्या है, डायरेक्ट टू है, यह निकाल लिया सारे ने, क्या हुआ 8.86 इंटू 10^-12 इंटू 2 क्या आ गया आपका, ये हो गया 12 और 2 16 17 16 17 ये आपका आ गया 17.72 10^-12 आ गया, क्या आ गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर। ये आपका हो गया, आपका आंसर हो गया। इसको और आप सिंपलीफाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा 1.772 इंटू 10^-11 क्या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इन दिस वे यू कैन सॉल्व।